नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्ट्री एन टी एट जरा पार्ट दो में तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं हाँ अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है इसमें निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था यानी किसने सबसे पहले कहा था ये कि ब्रिटिश शासन की जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह है भारत का एकीकरण तो ये स्टेटमेंट दिए थे जिनका नाम है के एम आंसर होगा स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन नंबर दो है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था यह किसका कथन है यानी भारतीय राष्ट्रवाद जो है ब्रिटिश राज का शिशु था यह किसका कथन था या किसका कथन है तो ये कथन है आर लैंड का किसका है आर कोप लैंड का क्वेश्चन नंबर तीन है भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था यह अंग्रेजी राजा कौन था जब भारतीय स्वतंत्र हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी या ब्रिटेन का राजा था जिसका नाम था जॉर्ज खष्टम जॉर्ज खष्टम या जार्ज छठा कह सकते हैं इसको और जॉर्ज खष्टम जो है दिसंबर 1936 में ब्रिटेन के सम्राट घोषित किए गए थे और वह उन मई 1937 में गद्दी पर बैठे थे और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जार्ज खस्टम ही जो है अंग्रेजी महाराज थे अंग्रेजी के राजा या ब्रिटिश राजा थे क्वेश्चन नंबर चार है निम्न में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी यह किसने लिखा था कि भारत की जो है मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी यहां पर नहीं होगी पूछा जा रहा है तो यह लिखे थे सुभाष चंद्र बोस ने आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस ने आप देखिए सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल उस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी ये इंडियन स्टेगल में सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक उसमें उल्लेख मिलता है क्वेश्चन नंबर पांच है किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल स्थापना हुई थी तो किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी तो ये था अठारह सौ चौवन में यानी अट्ठारह में जो है मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था और इसका नाम था कंपनी का स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे इस कंपनी का नाम रखा गया था जो अठारह में वैसे देखा जाए तो सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना जो हुई थी 1818 में हुई थी कोलकाता में कोलकाता के ही समीप है जिसका नाम था स्थल का फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी लेकिन ये जो है असफल रही थी तो यहाँ पर कोलकाता नहीं पूछा है यहाँ बम्बई पूछता पूछा है अगर पहला पूछता कि पहली सूती मिल कहाँ पर स्थापना हुई कोलकाता में कब की गई थी 1818 में तो यहाँ पर बम्बई में पहली कपड़ा मिल पूछ रहा है तो ये अट्ठारह में क्वेश्चन नंबर छ है भारत में बॉय स्काउट बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था इसके जन्मदाता कौन थे इसके जन्मदाता थे वेडन पावेल वेडन पावेल क्वेश्चन नंबर सात है राजा जनता के लिए बने हैं राजा जनता के लिए बने हैं जनता राजा के लिए नहीं बनी है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था तो यह वक्तव्य दिए थे दादा भाई नरोजी ने क्वेश्चन नंबर आठ है भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है कौन सा एक सही नहीं है पूछ रहा है इसमें तो इसमें सही नहीं है तो इसका आंसर होगा डी उन्नीस में कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी यूरिन समझौते का विरोध हुआ था ये इसमें सही नहीं है इस देखिए 1931 में जो है इसका विरोध नहीं हुआ था कराची अधिवेशन में गांधी यूरिन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी यहां पर दिया है विरोध तो इसलिए ये गलत है इसके अलावा ए बी सी इसमें सही है क्वेश्चन नंबर नौ है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है यह वक्तव्य संबंधित है तो यह वक्तव्य किससे संबंधित है तो यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवादी और गणतंत्रवादी टाइप के विचारधारा के थे ये क्वेश्चन नंबर दस है जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और कौन इसमें से सही है ये पूछा जा रहा है पहला दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही है विषय में वे उन्नीस में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गलत है तो उन्नीस में कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय जे बी कृपलानी दूसरा है उसने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी तो उसने संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं, नहीं की थी संविधान सभा की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थाई। <coughs> तीसरा दिया है भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था देखिए स्वतंत्रता से पूर्व तो जो है प्रथम कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे तो ये भी गलत है यानी कि इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई सही नहीं है क्वेश्चन नंबर ग्यारह है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था तो ये थे समाजवाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन नंबर बारह है निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन नंबर तेरह है निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है तो जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन है इसमें से तो ये थे फ्रैंक मोरस आंसर होगा ए फ्रैंक मोरस ये जवाहरलाल नेहरू की जो जीवनी लिखे थे क्वेश्चन नंबर चौदह है राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित चार रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया राजनीतिक हथियार के रूप में किया था तो वह है बाय काट हो जाएगा ए बायकाट अब देखिए बायकाट क्या है तो बाइकाट जो है आयरलैंड के सीसी बाइकाट के नाम पर आयरलैंड के व्यक्ति थे जिनका नाम था सीसी बायकाट और उन्हीं के नाम पर जो है बाइकाट शब्द का प्रयोग आधारित है अब देखिए सीसी बाइकाट ने जो है सबसे पहले 1880 सौ ईस्वी में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विधा का उपयोग राजनीति अस्त्र के रूप में किया गया था बायकाट इसको कहते हैं बायकाट क्वेश्चन नंबर पंद्रह है भारतीय राजनीति 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था तो महिला थी अरुणा आसफ अली अरुणा आसफ अली देखिए अरुणा आसफ अली जो है एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी हालांकि ये हिंदू थी हिंदू से मुस्लिम बने थी और इनका मूल नाम था अरुणा गांगुली और इन्होंने भारत छोड़ आंदोलन में स्वयं और के कृपलानी को भूमिगत दो महिला को संगठन करता थी क्वेश्चन नंबर सोलह है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया किसने जो उन्नीस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने आंसर होगा डी मौलाना हसरत मोहानी ने क्वेश्चन नंबर सत्रह है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे वर्ष 1946 में यह बात किसने की तो यह बात किसने की थी तो यह बात की थी सरदार पटेल ने यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्लिम लीग द्वारा 1946 में बिहार में जो दंगे हो रहे थे उसी के संदर्भ में यह बात कहे थे क्वेश्चन नंबर अट्ठारह है भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया तो भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था, था तो सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था, था मोहम्मद अली जिन्ना को किसने तो ये ठहराते थे लार्ड माउंट बेटन ने आंसर होगा डी लार्ड माउंट बेटन ने क्वेश्चन नंबर उन्नीस है निम्नलिखित में से किसने 31 अगस्त 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जो 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुआ था किसकी अध्यक्षता की थी आगा खाने आंसर होगा ए आगा खाने क्वेश्चन नंबर बीस है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो ये की थी पंडित मदन मोहन मालवी ने क्वेश्चन नंबर इक्कीस है फ्रंटियर गांधी का असली नाम है तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है तो इनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार का इनका असली नाम है फ्रंटियर गांधी का क्वेश्चन नंबर बाईस है निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है किन्हें जो है बम्बई त्रिमूर्ति यानी बम्बई के तीन मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे या हाईलाइट थे तो बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाते थे जिनका नाम था मेहता तेलंग तैयब जी यानी मेहता का मतलब जो है फिरोसा मेहता इनका पूरा नाम था और तेलंग का मतलब के टी तेलंग तैयब जी का मतलब होगा बदरुद्दीन तैयब जी इनको जो है बंबई में त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था तीनों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी क्वेश्चन नंबर तेईस है निम्नलिखित में से या नीमांकित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी ये कहे थे डॉक्टर बी एस मुंजे ने किसने कहे थे किसका ये था किसने कहा था डॉक्टर बी एस मुंजे क्वेश्चन नंबर चौबीस है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम है तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक, अब खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था तो आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन या इसी को रेड शर्ट आंदोलन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर पच्चीस है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है तो कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है तो चलिए देखते हैं इसमें चंपारण आंदोलन जानते होंगे उन्नीस सौ सत्रह में और इसके बाद यह असहयोग आंदोलन तो ये हुआ था उन्नीस सौ बीस ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन तो ये हुआ था उन्नीस सौ बयालीस ईस्वी में और डांडी मार्च आंदोलन ये हुआ था उन्नीस सौ तीस ईस्वी में इसमें पूछा है कौन सी घटना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तीसरे स्थान पर आती है तो पहला ये हो गया उन्नीस दूसरा उन्नीस उसके बाद उन्नीस से कम उन्नीस तो उन्नीस जो है तीसरे स्थान पर आती तो है उन्नीस चौथे स्थान पर इसमें आंसर हो जाएगा डी डांडी मार्च तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आए थे इसको लाइक करें अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम मिलते हैं अगले वीडियो में